समाप्त होते वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने गृह और जल कर के बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। शुक्रवार को काट रोड पर स्थित अमारा होटल पर 1 करोड़ से ज्यादा के टैक्स बकाए की वसूली को निगम की टीम जैसे ही होटल पर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। टैक्स की रकम देने में आनाकानी करने पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आर के सोनकर और अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार द्वारा सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, जिस पर अमारा होटल के स्वामी ने तुरंत ही 40 लाख के अलग अलग तारीखों के चेक देकर शेष रकम को निर्धारित समय में देने का आश्वासन दिया, जिस पर सीलिंग की कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि होटल स्वामी के अनुसार बिना किसी नोटिस के नगर निगम की वसूली की कार्रवाई से असहमति जताई गई। गौरतलब है कि मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आर के सोनकर और उनकी टीम के सख्त तेवरों के चलते टैक्स बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सर, ये आपका होटल है, होटल हमारा के नाम से है, अभी यहाँ नगर निगम की टीम आई थी, क्या पूरा प्रकरण है थोड़ा बताएं। यहाँ पे कलेक्शन के लिए आए थे, हमारे पास ना फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन है ना कोई नोटिस है। अगर कोई नोटिस होता, कोई अमाउंट के वहाँ से होते तो हम डेफिनेटली उनसे बैठ के बात करते, उससे डिस्क्रिप्टेशन मांगते। यहाँ तो वो हमारे साथ ही नहीं है, पूरे मुरादाबाद में है। हर आदमी, हर एक्सपोर्टर, हर बिजनेसमैन को मालूम है किस तरीके से नगर निगम ने लूट मचाई हुई है, जिस तरीके से वो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हमारी एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, उतने का चिंता भी नहीं कर रहे यहाँ पे। हम मतलब अपने कहाँ से, क्या कर्जों से लेके आएंगे पैसे, लाएंगे कहाँ से? आपको मालूम है किस तरीके से, किस क्राइसिस से ये इंडस्ट्री पिछले 3 साल से कोविड की वजह से हुआ है। यहाँ पे हम अपने घरों से लाके तो अपने स्टाफ को पे कर रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट की जगह दे आर ट्राइंग टू लिटरली स्टार्ट मनी फ्रॉम एंटायर द बिजनेस कम्युनिटी इन मुरादाबाद। इट्स यू नो टोटली अगेंस्ट वर्ड नगर निगम इज डूइंग एट द मोमेंट। Their justifications, calculations are totally out of order. They do not support the business, the revenue, the returns, nothing at all. It is a complete sham. I want to ask you how many, कितने महीने का बकाया था आपके ऊपर? देखिए, हमारा 1 साल तो अभी बीच में हो नहीं पाता। 2017-18 के अंदर हमने होटल ओपन करा, सो टेक्निकली इट हैज ओनली बीन 3 years. And I'm not saying that I don't want to pay. I'm saying I want to pay the right amount of money, which should be justified as per my business. नगर निगम ने आपको पर 1 करोड़ 7 लाख समथिंग का अमाउंट बताया, तो क्या आप उसे चैलेंज करते हैं कि इतना अमाउंट? हाँ, वो तो 10 करोड़ भी बता सकते हैं, बट 1 करोड़ 7 लाख रुपए का मैं किस बात के यहाँ पे टैक्स दे दूँ? मुझे नगर निगम यहाँ पे क्या दे रहा है 1 करोड़ रुपये का? मतलब फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं हमें 1 करोड़ रुपए में? वो तो आज आपने अब कितना अमाउंट पे किया है? अभी हमने पार्ट पेमेंट कर दी है उनके लिए, जितना हमें लगता है कि वी आर केपेबल टू पे, 40 लाख। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली, बट इट इज नॉट जस्टिफाइड। द पॉइंट इज इट शुड बी जस्टिफाइड। 1 करोड़ 1 करोड़ 7 लाख को कहा चैलेंज करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, किस तरीके से करेंगे? अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम करेंगे, और मैं अकेला नहीं करूँगा, मैं कम से कम भी नहीं है 100 मुरादाबाद के और लोगों को लेकर आऊँगा साथ में, और मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा अगर इनकी कोशिश करी हमारे ऊपर कि हम सील कर देंगे, हम ये कर देंगे। हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। गेस्ट है होटल के अंदर, आपको किसी चीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमें आप नोटिस दीजिए, तरीके से बात करिए। बताया गया कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं पहले आपसे मिले थे, वार्ता की थी, लेकिन उसके बाद हम कांस्टेंट टच में हैं यहाँ के सीनियर हेड से। इसके बाद प्रिंस रोड स्थित राशिद अस्पताल पर 47 लाख के बकाए की वसूली के लिए टीम पहुंची। वहां भी आर के सोनकर ने जैसे ही सीलिंग के आदेश दिए, बहस कर रहे बकायेदार ने 20 लाख रुपए राशि जमा कर दी। यहां पर अस्पताल के बराबर की सरकारी जगह पर अस्पताल स्वामी द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर अपर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए तुरंत ही उसे तोड़ने के आदेश दिए। सुबह से लेकर शाम तक पूरी प्लानिंग के साथ कार्य कर रहे हैं, किसी भी दशा में राजस्व जिन लोगों पर बकाया है, अभी कोई अपील उन लोगों से? उनसे अपील ये है कि वो स्वयं ऑफिस में आके जमा करें, अपने संसाधन से किसी और माध्यम से जाके जमा करें, लेकिन समय अंतर का टैक्स जमा करें, जिससे उनके खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने की बात ना। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।